जब वो गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से पलट करके आए शेर बेशेले सुन्नत ट्रेन के अंदर बैठे ना, तो एक वहाबी हुजूर शेर बेशेले सुन्नत के पास आया और उनको सूंघने लगा। हुजूर शेर बेशेले सुन्नत को सूंघने लगा। अब जब सूंघ करके फारिग हो गया तो शेर बेशेले सुन्नत ने फरमाया, भाई तू मुझे सूंघ क्यों रहा था, मुझे सूंघ किस लिए रहा था? तो उस वहाबी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप दरगाह गरीब नवाज से आए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं से आया हूँ। तो वहाबी ने कहा, फिर आप जन्नती दरवाजे के अंदर भी गए होंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती दरवाजे के अंदर भी मैं गया था। तो उस वहाबी ने कहा कि जन्नती दरवाजे में आप गए थे, जन्नत में गए थे, मैं आपके बदन को इसलिए सूंघ रहा था क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो इंसान एक मर्तबा जन्नत के अंदर चला जाए उसके बदन से कभी जन्नत की खुशबू जाती नहीं है। यह हदीस सही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स जन्नत में एक मर्तबा चला गया उसके बदन से कभी जन्नत की खुशबू जाती नहीं है। उस वहाबी ने कहा कि हुजूर मैं आपके बदन को इसलिए सूंघ रहा था कि देखूं आपके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए कि जब हुजूर ने फरमाया तो गलत नहीं हो सकता है। जब हुजूर ने फरमा दिया है कि जो जन्नत में चला जाए उसके बदन से खुशबू कभी जाती नहीं है, हुजूर आपके बदन से तो जन्नत की खुशबू आ ही नहीं रही है, आप जन्नत में कैसे गए थे? तो हुजूर शेर बे शेर ए सुन्नत ने जो जवाब दिया था, अगर वो जवाब आपको पसंद आ जाए और जवाब आपको अच्छा लगे तो मैं यहां से लेकर के वहां तक सारे लोग खड़े होकर के मेरे इस बात का जवाब सुभान अल्लाह से और नारे तकबीर से खड़े होकर के सारे लोग देंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के दर के एक अदना से गुलाम खलीफा आला हजरत शेर बे शेर ए सुन्नत ने जो जवाब दिया था, वो जवाब अगर आपके दिल तक लग जाए तो सारे लोग अपनी कुर्सियां छोड़ करके नारे तकबीर और रिसालत से इस बात की हक्कानियत की तस्दीक करेंगे। उस वहाबी ने जब कहा कि अल्लाह के वली की दर से आए हो, जन्नत से होकर के आए हो और जो जन्नत में होकर के आता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो इंसान एक मर्तबा जन्नत में चला जाए उसके बदन से कभी जन्नत की खुशबू जाती नहीं है, तुम्हारे बदन से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। तो हुजूर शेर पे शेर दिया, ए वहाबी तूने नबी के हदीस के सिर्फ एक रुख की तरफ ध्यान दिया लेकिन नबी के हदीस के दूसरी रुख की तरफ तूने ध्यान नहीं दिया। वहाबी ने कहा, दूसरी हदीस और दूसरा रुख ये क्या होता है? तो हुजूर शेर पे शेर ने सुन्नत में फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि जो इंसान एक मर्तबा जन्नत में चला जाए उसके बदन से कभी जन्नत की खुशबू नहीं जाएगी, लेकिन मेरे जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नसीब भी नहीं होगी। अच्छा, अब उसने दूसरा पैतरा अपनाया और दूसरा सवाल किया और ये सवाल किया कि आखिर जन्नती दरवाजा अजमेर में कैसे आ गया? जन्नती दरवाजा अजमेर में कैसे आ गया? अंदर से घुट करके उसने सवाल किया, अच्छा आप ये बताएं कि अजमेर में जन्नती दरवाजा कैसे आ गया? अगर अल्लाह को जन्नती दरवाजा देना ही होता तो मदीने में दे देता, मक्के में दे देता, क्योंकि इन दोनों के नजदीक इस मकाम से बेहतर कोई और जगह मानते नहीं है।
और हम भी मदीने और मक्का की अजमत को सरे खम तस्लीम करते हैं। उसकी अजमत बेमिसाल है यार, हम उसका कंपैरिजन वलियों से हम नहीं करते यार, वो बेमिसाल बेमिसल है। वहां की बात हम करते नहीं यार, जमीन पे रह के हम आसमां की बात नहीं करते हैं, जमीन पे रह के हम जमीन की बात करते हैं, वहां से कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसने सवाल किया, हजरत आखिर ये जन्नती दरवाजा अजमेर में कैसे आया, और अल्लाह को अगर रखना होता तो कहीं और रख देता, उसने अजमेर में क्यों रखा? तो हुजूर शेर बेशेरे सुन्नत ने जो जवाब दिया, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, वो जवाब शेर बेशेरे सुन्नत ने अता फरमाया। जब उसने सवाल किया कि आखिर जन्नती दरवाजा अजमेर में कैसे आया, जन्नती दरवाजा अजमेर में अल्लाह ने क्यों रखा, कहीं और रख सकता था? तो हुजूर शेर बेशेरे सुन्नत ने फरमाया, अच्छा बता तुझे जो इसका सबूत चाहिए वो कुरान से चाहिए कि हदीस से चाहिए? इसका जवाब तुझे कुरान से चाहिए कि हदीस से चाहिए? उसने कहा, कुरान छोड़ो, आप एक हदीस ही बता दो, मैं हदीस ही से मान लूंगा अगर मेरे बात समझ में आ गई। तो मैं समझता हूँ उसके भी समझ में आ गई थी और आपके भी समझ में आ जाएगी, ऐसा जवाब हुजूर ने अता फरमाया था। हुजूर शेर बेशेरे सुन्नत ने फरमाया, मैं तुझे हदीस से जवाब देता हूँ, और वाकई अगर हदीस बुखारी की हदीस है, अगर समझ में आ जाए तो अपने अकायद से तौबा कर लेना, इसलिए कि तुम वो मुस्लिम हो और वो लोग बुखारी पढ़ने वाले हो कि जो सिर्फ बुखारी पढ़ते हैं समझते नहीं है, बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं, जो बुखारी आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। तुम लोग सिर्फ पढ़ते हो उसको समझते नहीं हो, और हदीस से मैं ये साबित कर दूंगा कि अल्लाह ने जन्नती दरवाजा जो है वो अजमेर में क्यों रखा है, और अगर ये बात